जितना ज्यादा बुरा करोगे उतना ही ज्यादा लोकप्रिय और जनप्रिय मैं होता जाऊंगा। कुछ ऐसा ही सचिन पायलट के साथ इन दिनों हो रहा है। जितना ज्यादा उनकी उपेक्षा की जा रही है, जनता का उनके प्रति उतना ही प्यार बढ़ता जा रहा है। पायलट को राहुल के मंच से उतारा और अब पायलट के मंच पर गहलोत गुट के विधायक प्रशांत बैरवा भी आ गए, और ना सिर्फ वो आए बल्कि आने के बाद उन्होंने पायलट के पैर भी छुए। हम सभी को पता है कि जब होटलों में बाड़ेबंदी हुई थी तब प्रशांत बैरवा गहलोत गुट के साथ थे। ऐसे में उनका इस तरफ आना भविष्य की संभावनाओं की तरफ प्रबल इशारा कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना। प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े विश्लेषण मंच पर आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ वक्त पहले कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के राजस्थान दौरे में जिस तरह पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की उपेक्षा हुई, उसका गुस्सा पायलट समर्थकों ने 19 फरवरी को जयपुर के निकट चाकसू में हुई किसान पंचायत में निकाला। समर्थकों ने यह दिखाने की कोशिश की कि आज भी सचिन पायलट कांग्रेस में मजबूत और लोकप्रिय नेता हैं। किसान महापंचायत में भीड़ तो जबरदस्त थी, साथ ही पायलट जब अपने जयपुर स्थित आवास से चाकसू के लिए रवाना हुए तो उनके साथ करीब 700 वाहन थे। इतनी बड़ी संख्या में वाहन होने की वजह से कई बार मार्ग जाम हो गया, इसलिए पायलट चाकसू की पंचायत में करीब 1 घंटे देरी से पहुंचे। मंच पर पायलट को देखते ही समर्थकों ने पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। पायलट की महापंचायत में सीएम गहलोत के जिंदाबाद के नारे लगाने वाला कोई नहीं था। मंच पर 15 से भी ज्यादा कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। इनमें विश्वेंद्र सिंह, हिमाराम चौधरी, विजेंद्र ओला, मुकेश भाकर, रामनिवास गवाड़िया, जीआर खटाना, रमेश मीणा, इंदिरा सिंह, सुरेश मोदी, राकेश पारेक, वीरेंद्र चौधरी, मुरारी मीणा, पीआर मीणा, वेद प्रकाश सोलंकी, हरीश मीणा भी थे। विधायकों और कांग्रेस के नेताओं के भाषणों से साफ जाहिर था कि राहुल गांधी के दौरे में सचिन पायलट की जिस तरह उपेक्षा की गई उससे भारी गुस्सा है। विधायकों और नेताओं का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति ये समझता हो कि मंच पर सचिन पायलट को नहीं बोलने देने से पायलट का कद छोटा हो जाएगा तो ये उस नेता की गलतफहमी है। प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा से सत्ता में लाने का श्रेय सचिन पायलट को ही है। यदि भाजपा राज में पायलट 5 वर्षों तक कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष नहीं करते तो आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। गुस्साए नेताओं का कहना है कि आज भी पायलट के समर्थन से ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है। विधायकों और नेताओं ने पायलट को भरोसा दिलाया कि उनके सम्मान के लिए वो हमेशा साथ हैं। हालांकि इस महापंचायत में सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस संगठन पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अपने समर्थकों को विश्वास दिलाया कि वो हमेशा उनके साथ खड़े हैं और सरकार और संगठन में कार्यकर्ता को सम्मान मिलना ही चाहिए। पायलट का भाषण 3 कृषि कानूनों पर केंद्रित रहा। पायलट ने इन कानूनों को किसान विरोधी मानते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कानून को वापस लिया जाए। भले ही पायलट ने अपना भाषण कृषि कानूनों तक सीमित रखा, लेकिन चाकसू की महापंचायत का माहौल बता रहा था कि राहुल गांधी के दौरे में हुई उपेक्षा से पायलट समर्थकों में गुस्सा है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी के दौरे में कई स्थानों पर पायलट को बोलने ही नहीं दिया गया और रूपनगढ़ की रैली में पायलट को मंच से नीचे उतार दिया गया। राहुल के दौरे में सीएम गहलोत पूरी तरह छाए रहे। पिछले साल जुलाई अगस्त में सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के जो 18 विधायक दिल्ली गए थे उनमें से अधिकांश विधायकों का समर्थन अभी भी पायलट के साथ बना हुआ है। 19 फरवरी को चाकसू की महापंचायत में इन 18 में से अधिकांश विधायक मौजूद रहे। इससे ये साफ लगता है कि पायलट ने अपने समर्थक विधायकों पर पकड़ मजबूत कर रखी है। दिल्ली जाने के कारण ही पायलट विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि बाद में राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद पायलट और 18 विधायक जयपुर लौट आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से अभी भी पायलट और उनके विधायकों पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। 19 फरवरी को चाकसू में पायलट ने अपना राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन तो कर दिया है, अब देखना यह है कि इसका आगे आने वाले पॉलिटिकल करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी होगा हर अपडेट आप तक पहुंचा दी जाएगी हमारे चैनल राजस्थान संवाद के जरिए। नमस्कार। हेलो, क्या 10 लोग आ रहे हैं डिनर पे अभी 20 मिनट में? ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। 10-20 लोगों के लिए खाना बनाना औरों के लिए टेंशन की बात होगी, मेरे लिए नहीं। मेरे पास तो मोटू शेफ है ना, 1-in-1 only solution मोटू शेफ, जिसमें आपको स्नैक्स हैं, ओट्स एंड स्पिनच चीला, पालक मेथी मसाला पूरी, इमली की चटनी, क्या चटकारे लेके आप खाओगे। 2 मिनट में आपकी तैयार हो जाएगी दाल की पकौड़ी, जो आप 10 मिनट में आप बना सकते हैं।
अपने पास ये सब चीजें ड्राई फॉर्म में हैं, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स हैं, और एकदम आपको घर का भी खाना लगेगा और रेस्टोरेंट का भी लगेगा, दोनों ही टेस्ट आएंगे। और इससे आप फुल कोर्स मील तैयार कर सकते हो। सपोज अभी आज 10 लोग मेरे घर में आ रहे हैं, तो मैं पनीर बनाना चाहूँ, मैं कॉर्न बनाना चाहूँ, मैं मिलाई कोफ्ता बनाना चाहूँ, मैं 3 तरह की सब्जी बना सकती हूँ, वो भी 15 मिनट में, चीज़ी कॉर्न पूरी, बेड़वी पूरी। चाय अभी आज तो शायद फ्रिज में अदरक नहीं है, बट मुझे क्यों टेंशन लेनी है, मेरे पास तो 2 फ्लेवर्स में चाय मसाला है ना, गुलाब केसर चाय मसाला, जिसमें सब कुछ है, अदरक, इलायची, लौंग, काली मिर्च। अब खाना तो हो गया, और हिंदुस्तान में खाने के साथ मीठा नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। अपने पास है मोटू शेफ बेसन लड्डू एंड कलाकंद मिक्स, जो सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। कलाकंद तो इतना स्वादिष्ट है कि 10 मिनट में आप कहोगे कैसे बन गया। तो दोस्तों, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर आप और भी मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको 1-to-1 तो करना ही पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी प्रेजेंटेशन और मेरे प्रोडक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। जल्द ही मिलते हैं 1-to-1 में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारी बातों के साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।